नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। एलएसी पर चाइना के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV को खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए इंडियन आर्मी के तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को जारी किया गया है। इंडियन आर्मी मेक इन इंडिया के तहत 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने वाली है, जिसके अंतर्गत इच्छुक वेंडर्स को एक हफ्ते के अंदर सेना मुख्यालय को RFI का जवाब देना होगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लंबे समय से अटके फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को जारी किया है। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को परचेज किया जाएगा, लेकिन पहले फेज में भारतीय सेना 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने वाली है। RFI के अनुसार जो भी वेंडर इस व्हीकल को बनाएगा वो हर साल कम से कम 75 से 100 कॉम्बैट व्हीकल्स की डिलीवरी करने में सक्षम होना चाहिए। RFI के अनुसार भारतीय सेना द्वारा इस तरह के इन्फेंट्री व्हीकल का इस्तेमाल क्रॉस कंट्री ऑपरेशन के लिए किया जाएगा, जिसमें एम्फीबियस ऑपरेशन, पाकिस्तान के सामने की मैदानों और रेगिस्तानों के साथ साथ चाइना से सटे पहाड़ी इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्र में 5000 मीटर तक इस तरह के इन्फेंट्री व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम लंबे समय से भारतीय सेना के योजना में है और हाल में ही लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष के दौरान एंटी टैंक कैपेबिलिटी से लैस एक आधुनिक इन्फेंट्री व्हीकल की जरूरत महसूस की गई थी। FICV के इस्तेमाल से भारतीय सेना के फास्ट मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। RFI के अनुसार भारतीय सेना द्वारा खरीदे जा रहे FICVs में दुश्मन के टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और अन्य ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स और पोजीशन वेपन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त अटैक सिस्टम होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो RFI के अनुसार इस व्हीकल में 32 ईयर की टोटल सर्विस लाइफ का डिमांड रखा गया है। साथ में इसमें 6 थर्ड जनरेशन के ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करने की भी क्षमता होनी चाहिए, जिसका रेंज 400 मीटर तक का होना चाहिए। 1750 टैंक्स में से 450 टैंक्स कमांड एंड सर्विलियंस वर्जन के होंगे, जिसमें मिनी UAV भी होगा जिसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकेगा। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, वहीं इसका कॉम्बैट रेंज 400 किलोमीटर का होना चाहिए। फायर पावर की बात करें तो इसमें एक क्रूलेस टरेट होगा जो कि 350 डिग्री घूमने में सक्षम होगा। प्रोटेक्शन लेवल की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन थिकनेस 650 mm का होगा। ओवरऑल ये एक नेक्स्ट जनरेशन का कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है, जो कि फ्यूचर के थ्रेट्स को देखते हुए इसकी रिक्वायरमेंट को रखा गया है। इस तरह के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में 8 से 10 सैनिक अपने हथियार के साथ तैनात रह सकते हैं। भारतीय सेना अभी के समय में 80 के दशक की रशियन मेड BMP-2 व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है और नए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना में BMP-2 की जगह लेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।